रिपोर्ट खोखा टाइम्स की विशेष पेशकश आपनों का अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। आइए देखते हैं 19 सितम्बर 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। किसान नेता रामेश्वर लाल गोदारा की दूसरी पुण्यतिथि पर 206 युवाओं ने किया रक्तदान, बड़ी संख्या में पहुंचे नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रविवार को होगा रक्तदान। टाइम्स की मुहिम हुई सफल, रात 10 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर अधिकारियों ने किया नरेगा श्रमिकों का बकाया भुगतान। कृषि अध्यादेशों के विरोध की आंच श्री डूंगरगढ़ पहुंची, सोमवार को कृषि मंडी बंद के साथ होगा विरोध प्रदर्शन। श्री डूंगरगढ़ में पूरे सप्ताह जारी रहा कोरोना प्रसार, आज आए 4 नए संक्रमित। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। श्री डूंगरगढ़ को रक्तदानी तहसील की पहचान देने वाले क्षेत्र के युवाओं ने शनिवार को क्षेत्र के गांव बेड़ीसर में 206 यूनिट रक्तदान किया। मौका था गांव के दिवंगत किसान नेता रामेश्वर लाल गोदार की दूसरी पुण्यतिथि का। ग्राम पंचायत व बेड़ीसर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित इस शिविर में पीबीएम हॉस्पिटल की टीम ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदान में गांव के युवाओं सहित युवतियों ने भी उत्साह से रक्तदान किया। इस दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के नेता शामिल हुए। सभा में शामिल होने वाले क्षेत्र के उप प्रधान केसराराम गोदारा, यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष हरिराम बाना, पूर्व प्रधान रामलाल मेघवाल, शिक्षक नेता कोडाराम भादू, सरपंच प्रतिनिधि गोर्धन खिलेरी, देवीलाल बाना, टीकूराम हुड्डा, सज्जन सिंह लखासर, लालचंद सारण, श्रवण सिंह भोजास, सुरेंद्र सहू, गोपाल प्रसाद भादाणी, बीकानेर मुल्तान कस्मा केसर देसर, रामनिवास नाहर टेव से, रामनारायण तड़ नयागांव, ताराचंद ढाका बीकानेर से, शीशपाल चाहर जैसलसर, शीशपाल खिलेरी लखासर, जिज्ञासु सिद्ध विशाल स्वामी बजरंग भामू आदि ने गोदारा को नमन किया। इस मौके पर गोदारा के पुत्रों ने उनके स्मृति में राजकीय विद्यालय में वाटर कूलर प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश के युवाओं में सड़ चढ़ कर बोल रही है और उनके जन्म दिवस के मौके पर पूरे देश में सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में श्री डूंगरगढ़ के युवाओं ने मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें रक्तदान का तोहफा देने का निर्णय लिया है। भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रभारी प्रदीप जोशी ने जानकारी दी कि 862 स्थित नागरिक विकास परिषद के भवन में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर का उद्घाटन सुबह 9 बजे होगा, जिसमें भाजपा देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारसूत में वरिष्ठ भाजपा नेता अतिथि रूप में उपस्थित रहेंगे। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में एक माह से अधिक समय से अपने बकाया भुगतान के लिए तरस रहे नरेगा श्रमिकों को भुगतान दिलवाने का श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की मुहिम आखिर सफल हुई है। टाइम्स की मुहिम के बाद श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में केवल एक दिन का चार्ज मिलने वाले कार्यवाहक विकास अधिकारी एएन महेश चंद्र वर्मा ने नरेगा श्रमिकों की पीड़ा को समझते हुए रात 10 बजे तक बैठकर नरेगा श्रमिकों का बकाया भुगतान पारित कर दिया है। हालांकि गुरुवार को वीडियो का चार्ज लेने वाले वर्मा को चार्ज से शुक्रवार को ही हटा दिया गया था एवं अब चार्ज उपखंड अधिकारी के पास है। वर्मा ने बताया कि पंचायत समिति के लेखा सहायक पूनम कुमार, कमल सिंह, हरिओम ने गुरुवार को पूरे दिन व रात 10 बजे तक बकाया भुगतान करने की कार्रवाई में लगे रहे। यही स्टाफ शुक्रवार को भी सुबह 7 बजे से ऑफिस आया और 2 पखवाड़ों के सभी बकाया को क्लियर कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के विरोध की आंच श्री डूंगरगढ़ भी पहुंच चुकी है एवं क्षेत्र के कृषि आढ़त व्यापारी व किसान लामबंद होकर इन अध्यादेशों में संशोधन की मांग पर सड़कों पर उतर आए हैं। श्री डूंगरगढ़ अनाज मंडी में भी सोमवार को बंद रखा जाएगा। अनाज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर पारिक ने किसानों को मंडी नहीं आने के लिए कहा है। पारिक ने अध्यादेशों को किसान विरोधी व कृषि मंडी विरोधी बताते हुए अपना अस्तित्व बचाने के लिए 21 सितंबर को राज्य के सभी 247 अनाज मंडी बंद रहने की जानकारी दी है। पारिक ने बताया कि बंद के दौरान व्यापारी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए बात करते हैं क्षेत्र में कोरोना अपडेट्स पर। बीकानेर में आज कोरोना के 107 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए।
इनमें 4 पॉजिटिव श्री डूंगरगढ़ के कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। कस्बे के वार्ड 30 कालूबास में एक 42 वर्षीय पुरुष, वार्ड 23 आड़सरबास में एक 32 वर्षीय पुरुष, बिगाबास के वार्ड 13 में एक 31 वर्षीय पुरुष तथा गांव जेतासर में एक 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। बता दें कि क्षेत्र में कोरोना लगातार फैल रहा है। गत सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन कोरोना के लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। विभाग इन्हें होम क्वारंटाइन कर रहा है और पूरे परिवार को ही 10 दिन होम आइसोलेशन के लिए पाबंद भी कर रहा है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।